ईद उल-अज़हा के दिन दोस्तों के ख्वाहिश पर हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया खान ऑफ कल्लात से, आगे जो कि 25-30 किलोमीटर के दूरी पर इलाका है कपोतो। यहाँ पर दोस्तों ने कहा कि एक खूबसूरत पार्क बने हुए देहात इलाका है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक पार्क बने हुए है उसके जो है देखने के लिए और इंजॉय करने के लिए हमने घर से निकल गए। यह है दोस्तों कल्लात से थोड़ा आगे हसन लालो, जो कि बागात है यहाँ रोड के आसपास, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये बागात में सेब के दरख्त और आलू चे चेरी आलू बुखारा और बहुत सारे दरख्त मेवजात के मौजूद हैं। अगर आपको भी कभी इस पार्क पर आना हो तो आप कल्लात से निकलते हुए चश्मा, चश्मा से आगे जावा, जावा से आगे हसन लालो, हसन लालो से आगे आता है मेहमत तावा क्रॉस। जब आप मेहमत तावा क्रॉस पर आए तो आपको बाएं हाथ पर मुड़ना होगा। यहाँ पर एक कुआं आएगा, कुआं से थोड़ा आगे जो कि दाएं हाथ पर आपको मुड़ना होगा एक कच्चे रास्ते से। अगर आपके कभी भी ख्वाहिश हो यहाँ पर आने के लिए तो आप कोशिश करें मोटरसाइकिल पर हरगिज़ नहीं आए, क्योंकि देहात के कुत्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों हमने सफ़र किया तकरीबन पाव कम घंटा और एक घंटा हमको लग गया, क्योंकि हम आहिस्ता स्लो स्लो आ रहे थे। बिलाखिर हम पहुँच गए यहाँ। दोस्तों ये आप लोगों के सामने है, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है जो कि ये पार्क के ये है कपोतो में। कल्लात से 30 किलोमीटर आगे ये पार्क मौजूद है। दोस्तों ये पार्क एक देहात में मौजूद है, यहाँ पानी और बिजली न होने के बराबर है, फिर भी इतना खूबसूरत पार्क, इतना खूबसूरत मंजर दिया है। यहाँ से इसको पानी जो देते हैं बोर और सोलर सिस्टम इनके लिए रखे हुए हैं, इनसे इसको पानी देते हैं। शाम होने वाली है, ये दोस्त हमारे दोस्त जो कि तस्वीर ले रहे हैं, और हमने कल्लात से जो कि लिया था बोतल जूस और बिस्किट वगैरह, अब हम वो खाएंगे और इंजॉय करेंगे। दोस्तों ये पार्क है कल्लात से 30 किलोमीटर आगे कपोतो में, जो कि एक देहात है। आप लोगों ने देख लिया कि इस देहात में इतना खूबसूरत पार्क आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आए होंगे ये पार्क।
तो दोस्तों जिस किसी को भी यहाँ पर आना हो तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, पार्क वाले जो इंतज़ामिया है वो सबको छोड़ते हैं यहाँ पर, जो लोग आए और इंजॉय करें। तो दोस्तों जिसको भी आना हो यहाँ आकर इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अभी शाम होने वाली है, हम जो है अभी यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि रात हो जाएगा, रास्ता भी थोड़ा दूर है, हालात भी सही नहीं है यहाँ पर, जो कि देहात है, पहाड़ी लोग है, यहाँ चोरी और वगैरह के भी वारदातें होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी, कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे हमारा फर्स्ट व्लॉग।